अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेव एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीम्स एकेडमी। आज हम लोग फार्मूला मास को स्टडी करेंगे कि फार्मूला मास क्या होता है, उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, एक जहन में सवाल आता है कि भाई मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंस इवन है क्या। तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली जो है वो दो एलिमेंट्स के लिए जब वो कंबाइंड होते हैं तो उनके लिए ज्यादातर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये बात ठीक नहीं है। फॉर्मूला मास हम बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और वो कोई थ्री डायमेंशनल यूनिट देते हैं या क्रिस्टल देते हैं हमें, तो हम उसके लिए ज्यादातर जो है वो वर्ड फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो और हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि फार्मूले के अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे हम अगर किसी मेडिसिन लेने जाते हैं कोई भी मेडिसिन शॉप के ऊपर, किसी भी ड्रग स्टोर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि एक नाम लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हम एक दवा का नाम लिख रहे हैं पैनाडॉल। ठीक है, इस पैनाडॉल के नीचे उसका फार्मूला लिखा हुआ होता है। उस फार्मूले के अंदर सिर्फ एक या दो एलिमेंट नहीं होते बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मोर देन टू एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पैनाडॉल ये ड्रग बनी है या ये टैबलेट बनी है तो ये किसी फार्मूले के तहत बनी है। ठीक है, अब जैसे मुख्तलिफ कंपनीज में जो है मुख्तलिफ नाम की मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती हैं। जैसे अगर कोई मेडिसिन कंपनी ए है तो वो पैनाडॉल के नाम से दे रही है लेकिन उसका फार्मूला सेम है। ठीक है, जबकि अगर कोई मेडिसिन कंपनी बी है तो वो कैलपॉल के नाम से दे रही है, अगर कोई मेडिसिन कंपनी सी है तो वो पोस्टान के नाम से दे रही है। ठीक है, तो मुख्तलिफ कंपनीज जो है अपने अपने नेम यूज करती हैं लेकिन उनका फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले होते हैं। ठीक है, उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद कोई भी कंपाउंड होता है लेकिन हमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है कि भाई ये फार्मूला है किसी भी चीज़ का और हमें इसको इसका फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखी हुई है 1.4 जिसमें लिखा हुआ है कि आप एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, SO4 टेकिंग चॉइस, इसका आपने क्या निकालना है, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है और एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला मास निकालना सीखेंगे। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स उसकी है मॉलिक्यूलर मास की, इसी तरीके से इसकी भी है, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सबके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम डेटा बनाएंगे ना तो डेटा में हम ये सारी चीजें मेंशन करेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें हमें नोन है। तो हम लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 AMU, राउंड ऑफ करके बता रहा हूं मैं, 26.9 होता है लेकिन हम राउंड ऑफ करके ही लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का ये हो गया। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 AMU। ठीक है, जबकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। ठीक है, अच्छा अब मसला ये है कि हमें सिंपल, हमें पता है, आपको भी पता है ये बात कि हमें ऐड करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ब्रैकेट्स के यहाँ पर कोफिशियंट होता है कोई नंबर या यहाँ पर होता है नंबर, तो फिर हमें देखना होता है कि हम क्या करें। तो कोई इसमें जो है वो साइंस नहीं है कोई मुश्किल, आपने सिंपल क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग बनानी है। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग बनाने के बाद आपने जैसे ही लिखा है ना एल्युमिनियम के दो एटम है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम के दो एटम 27 इसका एटॉमिक मास प्लस, सबने सबको क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। अब ये 3 है ना, ये ब्रैकेट के साथ है, मतलब 3 इसके साथ भी है सल्फर के साथ और ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 ऑफ सल्फर, सल्फर कितना है 32 AMU। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के ऑलरेडी 4 एटम्स मौजूद है, तो 3 × 4 = 12, तो 12 × 16। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 227 = 54 AMU। ठीक है, 32 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 96। ठीक है, 96 आ गया, और 16 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 1, 1 × 2 = 9, 1 = 192। ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 192, 96 और 54 = 10, 12। ठीक है, 10, 19 और 24, 2 और 3, 42। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 342 AMU, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है।
342 AMU आ गया हमारे पास फॉर्मूला मास किसका, फॉर्मूला मास किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आपने खुद से करना है। अच्छा जी, तो सेकंड वन है हमारे पास ग्लोबर्स सॉल्ट। ग्लोबर्स सॉल्ट ये कमर्शियल नेम है, ग्लोबर्स सॉल्ट, ठीक है। जबका इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। अच्छा जी, ये जो है ना, मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सोडियम सल्फेट SO4 3, सोडियम सल्फेट SO4.10H2O। ये जो है ना, ये आपके पास कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन असल में मसला ये होता है कि फॉर्मूला मास में हमें इसे कैलकुलेट करना है या नहीं, तो इसको कैलकुलेट करना जरूरी होता है। हम सिर्फ सोडियम सल्फेट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, इन्हीं के चेंज होने की वजह से, यही नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज होने की वजह से कंपाउंड या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नॉर्मली अगर हम लें तो घर में हम आटा वगैरह बनाते हैं, या हम रमजानों में, अब जैसे रमजान गुजरे हैं तो हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो पानी अगर ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाता है ना। तो पानी की बड़ी जो है वो अहमियत है किसी भी चीज के अंदर। तो इसी तरीके से ये कंपाउंड है, तो इसमें भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर कम ज्यादा होंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बहरहाल, तो ये कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इनको फॉर्मूला मास के अंदर कैलकुलेट करना जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं, वही डेटा बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। तो डेटा आपको पता है कि सारे एटॉमिक मास लिखेंगे। अब आपने प्रॉपरली सारे लिखने हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, ठीक है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन वहां से देख लेते हैं तो उसका है 1, सबके साथ यूनिट AMU, AMU, DA भी लिख सकते हैं, ठीक है, DA, दोनों की बात एक ही है, इक्विवेलेंट है दोनों, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है फॉर्मूला मास। तो स्टार्ट करते हैं, दो आपके पास किसके एटम है, सोडियम के, तो 2 × 23 प्लस सल्फर का कितना है, एक ही है, तो 32 आ जाएगा जस्ट, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के कितना है, 4, तो 4 × 16, ठीक है। अब हाइड्रोजन हम देखते हैं तो देखें 10H2O, सही है, 10H2O। अब ये 10 जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स है। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ जैसे 10H2 और O अलग करके, ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि ऐसे लिखा हुआ है कि 10H2O मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो 10 है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है। 10 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20 हो जाएगा। देखा हाइड्रोजन के कितने, 1 है ना, हाइड्रोजन के कितने, 1 है, सॉरी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास तो 1 ही है ना, 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितने, 10 × 16, ठीक है। चले अब हम कैलकुलेट करते हैं, 23 × 2 46 प्लस 32, 16 × 4 32, 64, ठीक है, 20 प्लस 10 × 16 160, ठीक है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर कर लेते हैं 160 और 20 64 84, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 32 40 50 60 70 78। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 8 + 4 = 12 1, 8 + 8 = 16 22 213, तो 322 AMU इज द फॉर्मूला मास ऑफ ग्लोबर्स सॉल्ट या सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सॉल्ट बता देता हूँ या कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको इसको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला मास क्या करना है, निकालना है। तो ये कुछ सॉल्ट हैं आपके पास, नंबर 1 वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है,
इसका फॉर्मूला होता है एन ए एच सी ओ थ्री। इसके अलावा एक और मैं आपको लिख देता हूँ जिप्सम, ठीक है। जिप्सम ये कमर्शियल नेम है, ठीक है। आपको इसका जो केमिकल नेम है वो खुद से लिखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा हो गया कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा भी जो है वो आपका कमर्शियल नेम है कास्टिक सोडा। आपको केमिकल नेम खुद से लिखना है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH एटसेट्रा, ठीक है। और खुद से आप एक दो तीन देख सकते हैं, दो तीन बुक से जो है वो निकाल के आप लोग उसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है और इनका केमिकल नेम और कमर्शियल नेम जिस जिसका रिक्वायर्ड है वो खुद से अपने पास लिखना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी का फॉर्मूला मास आपको नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।